बस अभी आप लोगों के साइन लेने हैं, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या जबरदस्त वेकेशन थी, भूलूंगा नहीं कभी। आए थे आराम करने और मजीद मुसीबत में फंस गए हम। सुकून की तलाश में आए थे लेकिन सुकून बर्बाद हो गया। अब तो मैं तुम लोगों के साथ किसी पार्क में भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम लोग इतने बदनसीब हैं कि जब भी साथ में होते हैं कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। मेरी वजह से? मेरे ख्याल से जो भी हमारे साथ यहाँ हुआ है हमें उसे ही राज ही रखना होगा, किसी को कुछ नहीं बताना है हमने। ये ऐसी कोई बात भी नहीं है जो किसी को बता सके। बस ये सोचो कि ये सब हमने नहीं किया और ना ही हमारा कोई वास्ता है इससे। मेरा भी यही ख्याल है क्योंकि मेरी माशरे में एक इज्जत है। तो क्या हमारी नहीं है? तो है क्या? हाँ बिल्कुल है। खानदान बस भी करो ना। ठीक है तो फैसला ये हो गया, हम लोग सब चुप रहेंगे। मेरा भी यही ख्याल है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो हमें किसी को नहीं बताना, वादा करो। वादा। वो इतनी देर क्यों कर रहे हैं? आए हमारे दस्तखत लें और हमें जाने दें। मुझ में बहुत हिम्मत नहीं रही। अभी हम लोग घर नहीं जा सकते, अम्मी को शक हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। सुबह चलेंगे ताकि बात आगे ना बढ़े। हाँ बिल्कुल, गाड़ी भी तो होटल में वापस करनी है। आसमा साहिबा, आपने जो काम दिया था वो मैंने कर दिया। अता की माँ को ढूंढ लिया है, वो अता के ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं। तो मतलब उसकी माँ उसके साथ रहती है और काफी करीब भी है उसके। आसमा साहिबा, अता की जो माँ है वो एक नफीस खातून और बहुत ही अच्छी इंसान है। अगर वो इतनी ही अच्छी है तो बताओ उसका बेटा क्लब का मालिक क्यों है? तो एक आम सी जॉब क्यों नहीं है उसके पास? क्या वो एक अच्छा शौहर बन भी सकता है? हो भी सकता है कि वो उसकी शादी ही ना कराना चाहती हो। क्या मतलब? अब मेरा मतलब यह है कि अक्सर ऐसी कुछ माएँ होती हैं ना। अच्छा खैर, ये बताओ इसके अलावा कुछ मालूम चला तुम्हें? दरअसल किस्मत हम पे मेहरबान है, जब मैं गार्ड से बात कर रहा था तो पता है क्या देखा? हाँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। उसके वालिद क्या करते हैं? महमूद साहब एक अच्छे इंसान है, अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखते हैं। मैंने उन्हें कभी भी गुस्से में नहीं देखा। एक बात बताऊं मैं तुम्हें मेरे भाई, अता एक समझदार और बेहतरीन इंसान है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ वो तो नजर आ रहा है, वो एक बेहतरीन फैमिली है। जी कहिए, आप लोग किससे मिलने आए हैं? हम लोग मिराल साहब से मिलने आए हैं, मेरा नाम बिनिश है। ठीक है समझ गया, आप लोग यहाँ से सीधे चले जाइए। क्या रिश्तेदार हैं उनके? मिराल साहिबा को मुस्तकबिल का हाल जानने में बहुत दिलचस्पी है, तो यहाँ पर इसी तरह के लोग रोजाना आते रहते हैं, बस समझे कि रौनक लगी रहती है। अच्छा मुस्तफा, ये बताओ तुम्हारा नंबर मिल सकता है मुझे? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब अता की अम्मी को भी मुस्तकबिल बताने का शौक है। जबरदस्त, बहुत अच्छी खबर दी है तुमने सादिक। वाह आसमा साहिबा, मुझे लग रहा है आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लान तो है। गार्ड का नंबर ले तो लिया लेकिन कुछ कीजिएगा मत। मैं तो वैसे भी अकेले कुछ नहीं करने वाली सादिक, हम साथ मिलकर करेंगे। गार्ड ने मुझे पहचान लिया तो? क्या हो गया सादिक, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले ये सब तुमने कभी ना किया हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं एक मुस्तकबिल बताने वाली खातून बनूंगी और तुम भी अपना होलिया बदलकर मेरे साथ चलोगे वहाँ। किस्मत बताने वाले को कोई असिस्टेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सादिक, क्या हम पहली बार किसी के घर इस तरह से जा रहे हैं? मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी की जरूरत तो होगी ना, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये बिल्कुल ठीक नहीं आसमा साहिबा। देखो सादिक, तुमने उस गार्ड को जाकर बताना है मिस्र की एक मशहूर खातून जो कि मुस्तकबिल का हाल बताती है वो आई हुई है और वो कल जा रही है। अगर आप चाहें तो हम उन्हें मिलवा सकते हैं। और अगर मिलने से मना कर दिया? इस बारे में परेशान मत हो, वो जिसे मुस्तकबिल जानने का शौक होगा ना वो लाजमी मिलेगा, मैं जानती हूँ ये। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने आपको बता के बहुत बड़ी गलती कर दी आसमा साहिबा। खैर ये सब कुछ छोड़ो और कॉल करो उसे। ठीक है। आसमा साहिबा ने तो हद ही कर दी आज। ऐसा क्यों? बहुत बेइज्जती कराई है हमारी। क्या मसला है? मैं बताती हूँ, मैं यिल्दिज़ सू को लेकर आज शॉपिंग पर गई थी। हम वापस आए, हमने सारी शॉपिंग दिखाई, उन्होंने कहा इतने छोटे बच्चे के लिए ऐसे कपड़े कौन लेता है ये वो। क्या खरीदा तुमने? बैग लिया था, जैकेट ली थी और भी कुछ इलीट सा सामान लिया था उसके लिए। बच्चे के लिए? बड़े होकर भी तो इस्तेमाल कर सकती है। बच्चों के लिए तुमने बड़ों के स्टोर से खरीदारी की? बिल्कुल नहीं, मैं वहीं गई थी जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। कोमल, क्या तुमने वहाँ से कुछ बच्चों के लिए खरीदारी की? हाँ खरीदा था और वापस भी कर दिया। हाँ मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। बाबा आप भी साथ दे रहे हैं? बेटा इस तरह काम नहीं होता। हाँ वाकई कुछ नहीं हुआ, हमारे वहाँ जाते ही उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर दिया और कुछ शर्म भी नहीं आ रही थी। मैं बता रही हूँ अगर यिल्दिज़ भी उनकी तरह है ना तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यिल्दिज़ आसमा साहिबा को भी लेके ऐसा ही सोचती है। इस सबसे किसको शर्म नहीं आएगी, मुझे तो यिल्दिज़ और ज़ैनब पर कभी कभी बहुत तरस आता है। ये तो अच्छा है कि यिल्दिज़ की शादी आपसे हो रही है तो वो तो बच गई, लेकिन अब ज़ैनब का पता नहीं क्या होगा। हाँ ठीक है।
हाँ, क्या हुआ सादिक, क्या किया तुमने? मेरी गार्ड से बात हो गई है, वो हमसे सुबह मिलना चाहती हैं, लेकिन आप एक बार फिर सोच लें। बस कर दो सादिक, बहुत हो गया। आसमा साहिबा, कहीं कोई पागलपन तो नहीं है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है सादिक कि हम कोई पागलपन कर रहे हैं? हाँ, कभी तुमने सोचा है एक शादीशुदा और खानदानी औरत मुस्तकबिल क्यों जानना चाहेगी? नहीं, पता नहीं। क्योंकि वो अपने बेटे का मुस्तकबिल जानना चाहेगी कि ऐसा क्यों हुआ कि उसके बेटे की शादी हो गई और फिर तलाक हो गई, और वो इन सवालों का जवाब लाजमी जानना चाहेंगी कि क्या वो इसी तरह अकेला रहेगा, या क्या वो शादी करेगा, या इस तरह अपना वक्त जाया करता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी कुछ इसी तरह की बात करूंगी कि ज़ैनब और उस लड़के का झगड़ा हो जाए। बेहतरीन, मेरे नजदीक यही एक अच्छा हल है। बहुत शुक्रिया आयशा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत अच्छी कॉफी बनाई थी तुमने। शुक्रिया आसमा साहिबा। आसमा साहिबा, ले आया मैं। हाँ, आजो सादिक, क्या किया तुमने? ये देख लें आसमा साहिबा। दिखाओ मुझे। सादिक, ये सब क्या है? आसमा साहिबा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मिस्र में पहना जाता है, बहुत स्टाइलिश लगेंगी आप। ठीक है, पर इसे पहनकर हमें वैसे ही लगना चाहिए। आसमा साहिबा, आपको भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, आप भी तो टीम का हिस्सा है ना? हाँ, ये खास आपके लिए लाया हूँ मैं। रुको जरा, मुझे सोचने दो, पहले तो ये जानना है कि ज़ैनब अभी है कहाँ पर। जी जी, ऐसा ही है। हाँ ठीक है, फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं और उन लोगों के आने से पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, मगर हम वहाँ कौन सी जबान बोलेंगे? कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे बाबा टर्किश थे। हाँ, सोचते हैं। वो तो मैं भी सोच लूंगी, लेकिन अभी मेरे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। आसमा साहिबा, मैं सोच रहा था कि मिस्री की जगह इंडियन बन जाता हूँ। अरे सादिक, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। दुआन कॉल कर रहा है। गुड मॉर्निंग दुआन। गुड मॉर्निंग यिल्दिज़, क्या तुम लोग रास्ते में हो? हाँ, आ रहे हैं। सब खैरियत तो है? रात को नींद पूरी नहीं हुई थी क्या? वो दरअसल एक डरावना ख्वाब देख लिया था ना, इसीलिए ठीक से सो नहीं सकी मैं, और ऊपर से अलार्म बजे जा रहे थे बस इसी वजह से। चलो ठीक है, खैरियत से आओ तुम लोग। ठीक है, जल्द घर आकर तुमसे मिलती हूँ। ठीक है दुआन मेरी जान, बाय। अपना ख्याल रखना मेरी जान। हाय, उसे तो पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ है। जी कहिए। गुड मॉर्निंग, मिराल साहिबा से मिलने आए हैं हम, वो हमारा इंतजार कर रही हैं। आप ऐसा करें, अंदर आ जाएं, मैं मैडम को बता देती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाएं। मैं भी जा सकती? प्लीज आ जाएं। खुशामदीद। अच्छा तो आप हैं आंसू? सही पहचाना, और ये मेरा असिस्टेंट विष्णु है। मिल के खुशी हुई आपसे। क्या आप लोग मिस्र से आए हैं? मिस्र, हिंद, असल में हम हर जगह घूमते रहते हैं, तो कहीं का भी समझ सकते हैं आप, समझी? वैसे मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे बारे में कैसे पता चला? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बात यह है कि हमारे एक यहाँ पर बहुत पुराने जानने वाले हैं, उनकी बदौलत हमारे यहाँ पर हर बार आना होता है। मेहरबानी है उनकी। सही समझी? हाँ बिल्कुल विष्णु। बेटा, लगता है कि जो आपका गार्ड है वो हमारे मेजबान को जानता है, शायद उसी ने बताया होगा। हाँ, हम तो आज यहाँ से जा रहे थे, मगर उनके काफी इसरार पर हम मना नहीं कर सके। बहुत अच्छा किया। तो अब हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ हम ये कैसे करेंगे। पहले तो आप ऐसा करें कि इसे पकड़ें। अच्छा ठीक है, अब इसे जला दें। अब मेरा असिस्टेंट विष्णु आपकी इजाजत से आपके माहौल को पाक कर देगा। अच्छा ठीक है ठीक है, तब तक मैं अपनी तवज्जो यहाँ पर लगाऊंगी। विष्णु जाएं। हाँ ठीक है। दम करेंगे हम दम करेंगे, सुनिएगा, ताकत मिल चुकी है। अब जैसे कि पूरी ताकत मिल चुकी है, हम ये शुरू कर सकते हैं। सुकून करें और थोड़ा आराम करें। क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल। बेहतरीन,
हाँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि कोई नीचे रहता है जिसे आप बहुत पसंद करती हैं। बेटा मगर वहाँ एक इंसान नहीं, दो लोग रहते हैं, मगर वो तो एक छोटी सी लड़की है जो आपके बेटे के साथ रहती है। ये कैसे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो बस एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए। ये कौन है? कौन है ये? ये मिली कौन? मिली, है? मिली, वो मेरी पोती है। पोती? आपकी पोती है? उसके वालदेन की तलाक हो गई, कितने दुख की बात है। उसकी माँ कहाँ है? यकीन नहीं आ रहा। आ जाएगा। ये सब जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक नाम और भी है, और भी है एक नाम। तीन लफ्ज है नाम में। किश किश विष्णु। अता कौन? मेरा बेटा है वो। आपका बेटा? नीली आंखों वाला गोरा सा एक लंबा लड़का, बहुत ही अच्छा लड़का। ये लड़का कहाँ काम करता है? काफी सारे लोग हैं इसके अतराफ में, बहुत ज्यादा शोर है, डुम 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 बहुत आवाजें आ रही हैं। ये सब कैसे जान सकती है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। ऐसा नहीं कहते, इन्होंने पहली बार बाबा वंगा से इजाजत ली। बाबा वंगा? बाबा वंगा, बाबा वंगा, बेहतर करें हमारे लिए। कोई और भी है? एक और लड़की? कोई लड़की? मुझे क्या पता। छोटी सी लड़की? मुझे क्या पता। मतलब छोटी, एक छोटी सी मतलब खूबसूरत सी, यानी वो एक छोटी लड़की तो है मगर वो एक बच्ची नहीं, पूरी औरत है और बहुत ही खूबसूरत है। कौन है वो? वो कोई दूसरी लड़की है, मतलब आपका बेटा एक नए रिश्ते में बन चुका है। क्या वो लड़की उसके लिए बुरी है? मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बुरी सब है। ठीक है। ये आप क्या कह रही हैं? अल्लाह हमें बचाए। अल्लाह बचाएगा। इसके अलावा कुछ और बता सकती हैं आप? रुके रुके, थोड़ा सबर करें, मुझे संभालने दें, तमाम ताकतों को जमा करूं, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है, मुझे तवज्जो से करने दें। आप ये कैंडल पकड़ लें। अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। शुक्र है कि घर जा रहे हैं हम लोग। वो जो कल तुम लोगों ने वादा किया है वो तुम लोग भूले तो नहीं ना? कौन सा वादा हनन? यही कि जो कुछ भी हुआ वो तुम लोग अपने तक ही रखोगे बस। सुना तुमने यिल्दिज़? ये डर रही है कि किसी को पता ना चल जाए कि इसको बेवकूफ बनाया गया था। वैसे हानदान को कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, बस ये सोचे कि अब हमें एक नई शुरुआत करनी है, आराम से घर चलते हैं और आगे से सब अच्छा सोचेंगे। आसू साहिबा, मैं आपसे बहुत ही मुतमईन हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी आपके बारे में जरूर बताऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका, हम यहाँ पर फिर आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और आप परेशान मत होइएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। विष्णु, आपने इनका नंबर ले तो लिया ना? ले लिया है मैंने, परेशान ना हो। जैसे कि मैंने कहा, इस लड़की से बच के रहिएगा, ये लड़की आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं समझ गई। हेलो, प्लीज। बहुत शुक्रिया। अम्मी हम लोग आ गए, ज़ैनब भी है मेरे साथ। वो देखें, उसी लड़की के साथ है। सादिक हम फंस गए। मुंह छुपाओ, कुछ करो। अब हम क्या करेंगे? अम्मी इनसे मिलिए, ये है ज़ैनब। हेलो, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, ये आपके लिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कौन है वो लोग? बेटा बस ये लोग जा ही रहे हैं। आसू साहिबा चलो। विष्णु मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ आती हूँ, आइए। ये लोग कौन है? आसू और विष्णु, क्या तुम इनको जानती हो? और फिर उसके दोस्त उससे बहुत नाराज हो गए, उसने सोचा कि अब उसे उनसे माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगने के बाद उनकी लड़ाई खत्म हो गई और वो आपस में खेलने लगे। कहानी खत्म। अब बताओ कैसी लगी? अल्लाह ना करे हम एक दूसरे को जानते हो। अरे रुकिए जरा, बात सुनिएगा। क्या आप नकाब जरा नीचे कर सकती हैं? जी जरा थोड़ा नीचे कीजिए। जी थोड़ा और उतारो सादिक। उफ तौबा।
बताएं आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका काम क्या है यहाँ पर? ये लोग तो किस्मत का हाल बताने वाले हैं। ये तो बहुत ही पहुंची हुई खातून है। अब मैं क्या कह सकती हूँ? माफ कर सकती हो तुम हमें, ज्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मी दरअसल आसिमा साहिबा जैनब की अम्मी है और सादिक इनके घर पे काम करता है। कैसे होता? ठीक हूँ। क्या? आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पुराना पेशा है जो कभी कभी सामने आ जाता है, इसमें बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी, है चुप हो जाए, चुप हो जाए, बिल्कुल आ जाए, चले। अच्छा खैर, अब हमें चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। किस किस्म के लोग थे ये? इन दोनों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे, अतः मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? बहुत माजरत चाहती हूँ। ये सब क्या हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो कॉमेडी शो हो रहा था ना। क्या मजाक है ये। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये तो। बताओ ना, सफर कैसा रहा तुम लोगों का? अच्छा था, गए और वापस आ गए, बस इतना ही। ठीक है, अगर तुम तफसीलात जानना चाहते हो तो शुरू से सब कुछ बता देती हूँ। आलिया और मुझे लगा कि हमसे किसी का कत्ल हो गया और हम लोग उस लाश को होटल से बाहर निकालने के लिए उसके कपड़े बदलते हैं। माफिया वाले हमारे पीछे थे, हमने सोचा लाश को दफना दें, क्या करें। और माफिया वालों की तलाश में पुलिस थी, और जैसे ही माफिया वालों ने हमें पकड़ लिया, पुलिस भी वहां पहुंच गई। हमें लगा हम कातिल हैं, लेकिन कातिल तो उनका आदमी ही निकला, हम बेकसूर थे। अच्छा, मेरे ख्याल में तुम एक जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर बन सकती हो। ये तमाम कहानियां कैसे जहन में आती है तुम्हारे? हाँ, टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसा ही है। खैर, अब मैं बच्चों को लेकर घर जाती हूँ। चलो बच्चों, हम बाद में मिलते हैं। चलो उठो हालिद जान। चलो अब तुम दोनों सोने जाओ, बहुत देर हो गई। अभी घर जाकर होमवर्क भी करना है तुम्हें। हालिद जान, तुमसे कह रही हूँ बेटा, उठ जाओ। बेटा, ये तुमने आखिर किस किस्म की लड़की ढूंढी है? उसकी माँ ने अपना भेस बदल कर अपनी ही बेटी की बुराई की। अम्मी, जैनब बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ है, और मिली भी बहुत प्यार करती है जैनब से। खुदा का वास्ता है तुम्हें, समझ जाओ ये सब लोग पागल हैं। उसकी माँ एक नहायत ही अजीब औरत है, वो बस लोगों को बेवकूफ बनाती है। उसका ये सब करने का मकसद क्या है? अम्मी, आप अपनी जगह सही हैं, मगर यकीन कीजिए कि वो जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। अता, इस सब से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँचेगी, याद रखना। देखो, जैसी उसकी माँ है वैसी ही उसकी बेटी भी होगी। या अल्लाह, तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा, मेरी बातों को मजाक मत समझो, तुम उससे दूर रहने की कोशिश करो, और याद रहे तुम्हारे बाबा को इस बारे में पता ना चले। अम्मी, बाबा को पता भी कैसे चलेगा जब तक आप नहीं बताएंगे उन्हें। जो जैनब की अम्मी ने किया उसे गलती समझ कर भूल जाए प्लीज। ये क्या बात कर रहे हो बेटा, अब वो सब लोग एक खुली किताब की तरह है हमारे सामने। अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। हालिद जान, देखकर हाय अल्लाह। अम्मी की जान, सारे स्ट्रॉबेरी के निशान लगा लिए तुमने। आयशा, आयशा मैं आ गई। आयशा आपा आपके कपड़े बदल देंगी, ठीक है? स्ट्रॉबेरीज चाहिए आपको? ये मेरी छोटी सी स्ट्रॉबेरी। देखो, मुझसे झूठ मत बोलना, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक हूँ। हाँ। थोड़ी तकलीफ थी लेकिन अब ठीक है। ये सब छोड़ो, ये बताओ वहाँ सब कैसा रहा? मुझे भी जाना था तुम्हारे साथ, बहुत बोर हो गई थी मैं यहाँ पर तुम्हारे बगैर। देखो, अच्छा यही है कि तुम कहीं ना जाओ। क्यों, तुम्हें भी मजा नहीं आया? देखो कोमल, मैं सिर्फ इस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। समझ सकती हूँ, यिल्दिज़, आलिया, अम्मी भी गई थी ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुमने हर एक के बारे में मालूम करके रखा। कुंवर, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, अगर वो हमारे साथ रहने का कहेंगी तो। बिल्कुल वो ऐसा ही चाहेंगे। अरे नहीं, 100%, लेकिन हमें ही कोई हल निकालना होगा इस बात का। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं बाहर चले जाएंगे और क्या होगा। देखो, चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन ये सब लोग चाहते हैं कि हम लोग हमेशा एक साथ ही रहें। हमारे सामने कहते रहेंगे हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग ऐसा कर सकते हो, लेकिन दिल से ऐसा नहीं चाहेंगे और हमें रोक के ही रहेंगे साथ। मुझे तो लगता है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सोचो, यिल्दिज़ की शादी हो जाएगी, साथ में उसके दो बच्चे और साथ में उसकी अम्मी भी है, अब ये सब एक जगह पर कैसे रहेंगे। बिल्कुल सही, हमें समझने वाला यहाँ कोई नहीं, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। हाँ ये भी है। पता है, असल में ये लोग थोड़ी मजाहिया भी हैं। ये तो है। सोचो जब ये सब बूढ़े हो जाएंगे,
सोचो तो यकीन करो, मैं तो इस बारे में सोचना तक नहीं चाहता, बिल्कुल है। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी नहीं सोचना। ठीक कह रहे हो, मैं भी नहीं सोचना चाहती इस बारे में। अच्छा टांगे सीधी करो और आराम से लेट जाओ। परेशान मत हो। बस रुको, मैं तुम्हें एक और तकिया देता हूँ। कहाँ रह गई तुम यिल्दिज? अरे क्या हो गया अम्मी? यिल्दिज, अब ऐसा क्या कर दिया? जल्दी कराओ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं नहीं कर सकती, अल्लाह ही मदद करे आपकी। ज़ैनब अपनी जगह सही है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। बेटा मुझे क्या पता था कि उसी वक्त वो घर पर आ जाएंगे। अम्मी मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप हुलिया बदलकर सादिक को लेकर वहाँ गईं। ज़ैनब की पता है कितनी बेइज्जती हुई है, क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में। यिल्दिज सब कुछ ठीक जा रहा था उस वक्त तक, लेकिन उनके घर पे आते ही सारा मामला खराब हो गया। ज़ैनब शदीद गुस्सा है आपसे। तुम बात करो ना उससे। क्या करूँ बात में? क्या उसे ये बताऊं कि अम्मी की जहनी हालत ठीक नहीं है? यिल्दिज बेकार की बातें मत करो, तुम उसे कुछ भी कह देना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बेहतर ही चाहेगी, बुरा थोड़ी चाहेगी। अम्मी अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, अता के सामने शर्मिंदा किया आपने। ये किस उसे? तरह का ताल्लुक है जो मेरी बेटी का उस क्लब के ओनर के साथ है? वो हमेशा नाकारा लोग ही क्यों ढूंढती है अपने लिए? उसके सामने ये मत कहिएगा वरना गुस्सा हो जाएगी मजीद। आपको अफसरदा होना चाहिए और अगर नहीं है तो ड्रामा करें। ठीक है, कुछ भी करके उससे बात जरूर करना तुम। ठीक है बात करती हूँ, लेकिन आप दरवाजे पे खड़ी रहिएगा। मेरी अच्छी बेटी। ठीक हो ज़ैनब, तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हुआ? मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ, तुम्हें उन दोनों की हालत देखनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि अभी पागल खाने से छूट कर आए हैं, उनको देखकर ही गुस्सा आ रहा। बिल्कुल सही कह रही हो, अम्मी भी इस वजह से बहुत परेशान हो रही है। हाँ होने दो उन्हें परेशान, मैं तो कहती हूँ होती रहे परेशान। यिल्दिज तुम्हें उनका चेहरा देखना चाहिए था, इतना ज्यादा शर्मिंदा कर दिया था कि अम्मी के सामने पता नहीं क्या सोच रही होंगी। अगर ऐसा ना होता तो तब भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती। शुक्रिया, इतनी हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया तुम्हारा। अगर अता तुमसे प्यार करता है तो उसकी अम्मी क्या सोचती, क्या फर्क पड़ता है? तो मत सोचो इस बारे में। इसी तरह से अम्मी की सारी हरकतों को नजरअंदाज करते रहे, फिर नतीजे भुगत। अम्मी को जानती हो ना, वो इस तरह की हरकतें करती रहती हैं। देखो सच में हम बहुत शर्मिंदा हैं। इनको अपनी शर्मिंदगी की पड़ी है, दूसरे की कोई परवाह नहीं। देखो बहुत ज्यादा परेशान है वो, दिल का दौरा ना पड़ जाए। क्या बकवास करती रहती हो यिल्दिज, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। एक माँ का दिल बहुत कमजोर होता है, अगर परेशानी के मारे उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो मर गई तो क्या होगा हमारा? मेरी बेटी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है अम्मी। मैं मानती हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ज़ैनू मेरी बेटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम कहती हो तो मैं अता से, अता की माँ से, उसके पूरे खानदान से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, पर तुम मुझसे नाराज मत हो, ऐसा मत करो मेरे साथ। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी बेटी। शुक्रिया। आमिर, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैंने जब सोचा था जब तुम यहाँ नहीं थे, जैसा कि तुम जानते हो कि कुंवर की शादी होने वाली है, तो क्यों ना हम कोई मजाक करें उसके साथ। ये क्या कह रहे हो, इसका क्या मतलब? मैंने इंटरनेट पे देखा था कि दुल्हा के दोस्त उससे मजाक करते हैं, उसकी शादी में जनाजा ले आते हैं और शादी का घर जो है वो मैयत का घर लगने लगता है। ठीक है ना, तो हम भी कुछ मिलके ऐसा ही करते हैं, तुम देखना कितना मजा आएगा, सब लोग इतना हंसेंगे और इस शादी को हमेशा याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा करेंगे, लेकिन ये ना लगे कि हम मजाक कर रहे हैं। ठीक है, इस बारे में कुछ सोच लेते हैं। एक बहुत बड़ा सा केक लेते हैं और उसमें से फिर डांसर निकलेगी। कैसा? ये डांसर वाला आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। चलो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं दूल्हे को बेवकूफ बनाने के। हाँ ठीक है देखते हैं। हाँ देखो जरा। हाँ आमिर, मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब क्या हो गया, सब ठीक तो है आमिर? हाँ? कल सुम्बुल आई थी जब तुम घर पर नहीं थे। क्यों आई थी? आमिर वैसे तो वो बहुत प्यारी मासूम अच्छी लड़की है, लेकिन थोड़ी सख्त है। खुदा का शुक्र है कि मेरे अलावा सबको ऐसा ही लगता है, आखिर मैं कैसे जान छुड़ाऊं उससे। मुझे नहीं पता आमिर, पर उसको तुम्हारी काफी फिक्र है। कोई परवाह नहीं आपा, पहाड़ में जाए, मैं मिलकर इस बारे में उससे बात करूंगा।
आमिर कैसी बात कर रहे हो? मैं उससे किस तरह ये बात कर सकती हूँ जबकि तुम्हें पता नहीं है उसके पास गन मौजूद है। आपा वो मुझे अपने साथ मिशन पे ले जाएगी, खुद को तो खतरे में डालेगी, साथ में मुझे भी। उसने तो दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आमिर, तुम्हें उससे जाके बात भी नहीं करनी और उसने भी कुछ नहीं समझना। सच में वो पागल है, मैं कैसे जान छुड़ाऊं उससे आपा? जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगी आमिर? आपके पास हर मसले का हल होता है तो उसका भी जरूर होगा। ठीक है आमिर, परेशान मत हो, मुझे सोचने दो इस बारे में। मैं तो अपनी जिंदगी से ही थक गया हूँ। मैंने और कोमल ने डिसाइड किया है कि शादी ज्यादा धूमधाम से ना हो तो बेहतर है। हाँ बाबा, क्या आप अम्मी और आलिया से बात करेंगे? वो इस वक्त पागल कर रही हैं मुझे। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। कुंवर साहब, कोई खातून आई है आपसे मिलने। मुझसे? हम्म, जी बोलिए। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देने आई हूँ कुंवर। क्या क्या मतलब आपका? बच्चों जाओ अपने बाप के पास। ये आपको क्या हो गया? कैसे बच्चे? मेरी तो अभी शादी होने वाली है और ये बच्चे मेरे नहीं है। ये क्या है? देखिए, मेरी शादी होने वाली है, इस तरह का मजाक मत कीजिए। लीजिए अपने बच्चे और जाइए यहाँ से। तो फिर चलो मेरे साथ। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? कुंवर, ये कौन है? कुंवर, ये सब क्या हो रहा है? मेरा यकीन करो, मुझे नहीं मालूम कि ये औरत कौन है। अरे सिस्टर, आप क्यों मेरी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई है? देखो बच्चों, तुम लोग बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कुंवर बताओ मुझे कुछ। मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ। कुंवर, सरप्राइज कैसा लगा? ये किस किस्म का मजाक है? बताता हूँ तुम लोगों को। अच्छा बस कीजिए, माफ करना कोमल, मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है बाबा, चले आए, हम अंदर चलते हैं। आ जाए। कभी नहीं सोचा था कि दोस्त ही दुश्मन निकलेंगे। इन लोगों की तो हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। जरा देख कर। आराम से रुको, गिर नहीं जा। रुको, अभी बताता हूँ। बस क्या ड्रामा था ये? क्या ड्रामा था ये? आराम से कुंवर, हम तो यार तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। डांसर तक तो ठीक था, उसके साथ दो बच्चे भेजने की क्या जरूरत थी? बताओगे इसका जवाब है तुम लोग के पास? आते ही मेरे सर पर सवार होगी, ये बच्चे तुम्हारे, ये बच्चे तुम्हारे। भाई हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम तो बस सरप्राइज देना चाहते थे। क्या चाह रहे थे? मतलब क्या है तुम्हारा? सबको ये बताना चाह रहे थे कि इस औरत से दो बच्चे मेरे? क्या कह रहे हो कुंवर, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? जब तुम बाप बनोगे तब क्या होगा? हाँ तो अब बताओ। कोमल, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ मजाक किया था इसके साथ। सादिक का आइडिया था, मैं तो बस ऐसे ही शामिल हो गया था इसमें। क्या हुआ, माफी क्यों मांग रहे हो तुम लोग? मुझे तो गुस्सा नहीं आया। तुम गुस्सा नहीं हो? हाँ वाकई नाराज नहीं हुई, थोड़ा अजीब था लेकिन ठीक है। बाबा? बाबा भी ठीक है। मुझे यकीन उन्हें भी पसंद आया। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अच्छा लगा है, मैं सिर्फ नाराज नहीं हुई। वैसे भी मैं ये कहने नहीं आई थी यहाँ। खैर तो है, क्या हुआ? कुंवर, तुमने बताया नहीं इन्हें? नहीं, मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया ये सब बात करने का इनसे। क्या हुआ? हमारे पास एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट आया है, अगर तुम दोनों मदद करोगे तो बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों मिलकर छोटे बच्चों के इलाज के लिए एक चैरिटी प्रोग्राम कर रहे हैं। वाह, फखर है मुझे तुम लोगों पर। आज रात हमें बाबा के होटल पे मिलना है, लेकिन तुम दोनों की मदद चाहिए होगी हमें। कुंवर, हम इसके लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। हाँ, आसमा साहिबा और जैनब को भी बता देना, वो भी आ जाए। एक लाइव ब्रॉडकास्ट भी होने वाला है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसे। ये तो बहुत आसान है, किस वक्त पहुँचना है हम लोग पहुँच जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, पूरे 7 बजे होटल पहुँच जाना। ठीक है, तो फिर मैं सुम्बुल से मिलकर फौरन वहाँ आ जाऊंगा। सुम्बुल? हाँ, मेरी बदकिस्मती है कि एक पुलिस ऑफिसर मेरी दोस्त बन गई। क्या मतलब है इसका? छोड़ो इन्हें, मैं अब चलती हूँ, बाय बाय। हाँ ठीक है। तुमने धोखा दिया है मुझे। धोखा पहले तुमने दिया था सादिक, और यहाँ खड़े होकर सोचो कि कब दिया था। कल रात पता है क्या हुआ? एक आदमी आया था क्लब में, वो लड़कियों के इर्द गिर्द घिरा हुआ था और उन्हें हुक्म पे हुक्म दे रहा था। और जनम, तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? एक और औरत आ गई वहां, उसने कहा मैं इस आदमी की बीवी हूं, यहां तक कि उसने अपनी रिंग भी दिखाई। यकीन कर सकती हो जनम तुम, काफी दिलचस्प वाकया था ये। जैनब, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहां होकर भी यहां नहीं हो। दरअसल उस दिन जो कुछ हुआ मैं उसे भूल नहीं पाई। क्या भूल नहीं पाई? वही जो तुम्हारी अम्मी के सामने हुआ। वो तो मैं भुला भी चुका हूं। तुम तो भूल गए, लेकिन क्या तुम्हारी अम्मी भूल पाएंगी? उनकी फिक्र मत करो, वो कुछ दिनों में भूल जाएंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम एक सुलझे हुए इंसान हो और परवाह नहीं करते कि कौन क्या सोचता है। अगर मैं तुम्हारी अम्मी की जगह होती तो मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी मेरी जैसी लड़की से हो। तुमने सही कहा कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम क्या सोचते हैं इससे फर्क पड़ता है। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारी आंखों में भी नहीं देख पा रही, और ना ही ये समझ पा रही हूँ कि तुम्हारी अम्मी का सामना दोबारा कैसे करूंगी। जो कुछ हुआ उस पर उनका मेरी फैमिली के बारे में बुरा सोचना बनता है। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? देखो अभी फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन आगे जाके ये बात खराब हो सकती है। बेहतर यही होगा कि हम दोबारा ना मिले। क्या तुम संजीदा हो या फिर मजाक कर रही हो मुझसे? नहीं, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। मैं इस तरह शर्मिंदगी के साथ नहीं रह सकती। मैं तुमसे और तुम्हारी अम्मी से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे अब चलना चाहिए। वफा है शजरे में।